AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये शब्द आज की तारीख में कोई नया नहीं है। आज हमारे देश का बच्चा बच्चा AI तकनीक का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। AI के बारे में कहा यह जाता है कि ये घंटों का काम चुटकियों में कर देता है, लेकिन क्या कोई चाहेगा कि चुटकी बजाते ही उसे उसकी मौत का सही दिन और सही वक्त पता चल जाए? शायद नहीं, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि उसे उसकी मौत का दिन और वक्त पता चल सके। ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, लेकिन अब AI ऐसा ही करने जा रहा है जैसा कि दावा किया जा रहा है। मुश्किल से मुश्किल काम चुटकियों में करने वाला AI कभी भी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि धीरे धीरे AI अपनी सारी हदें भूलता जा रहा है। वो हमारी आपकी सोच से कई गुना आगे बढ़ चुका है। अब जो ये रिपोर्ट आई है सामने, एक नई रिपोर्ट, उसके मुताबिक ये AI आपको ये भी बता सकता है कि आपकी मौत कब होगी। क्यों, चौंक गए ना आप? लेकिन ये सच है दोस्तों, दावा ये किया जा रहा है कि अब AI का इस्तेमाल डेथ कैलकुलेटर बनाने में किया जा सकता है, जो आपकी मौत के दिन की सही भविष्यवाणी करेगा। अब यकीनन ये खबर सुनकर आपको भी झटका लगा होगा, क्योंकि आज सारी दुनिया ये मानती है कि AI कुछ भी कर सकता है। लोग बड़ी आसानी से AI को लेकर किए गए किसी भी दावे पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। AI को लेकर अक्सर कहा जाता है कि ये इंसानों की नौकरी के लिए खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसके पास हर सवाल के जवाब के साथ बहुत ही कम समय में अच्छा काम करने की क्षमता है। इसी वजह से AI का यूज और क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है। वहीं प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों को भी अब अपनी नौकरी जाने का डर सता रहा है, क्योंकि आजकल सभी बड़ी कंपनीज अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे रही हैं। तो AI को लेकर यह भी कहा जाता है कि आने वाले समय में ये नए नए आविष्कार करके इंसानों की जिंदगी को और भी आसान बना सकता है। इसी तरह से एक दावा यह भी है कि अब AI की मदद से मौत की तारीख भी पता की जा सकती है। अब ये बात सुनने में आपको अजीब जरूर लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए जल्द ही ये सच भी हो सकता है। दावा यह है कि डेथ कैलकुलेटर बन चुका है, जो AI की मदद से मौत का दिन आपको बता सकता है। इस डेथ कैलकुलेटर को डेनमार्क के टेक्निकल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने बनाया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने लाइफ टू वेक नाम के AI का इस्तेमाल किया है। ये उम्र, नौकरी और हेल्थ बैकग्राउंड को देखकर मरने की तारीख बता सकता है। अब ये सटीक जानकारी देता है या नहीं, इस बारे में साफ तौर पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि AI की मदद से बनाया गया ये डेथ कैलकुलेटर 78% यानी 78% सही जानकारी आपको दे सकता है। आपको बता दें कि नेचर कंप्यूटेशनल साइंस जर्नल के जिस पेपर ने इस नए विवाद को जन्म दिया है, उसमें मौत की भविष्यवाणी को लेकर AI का एक एक्सपेरिमेंट भी शामिल था, लेकिन ये काफी हद तक सटीक नहीं था। रिसर्च टीम ने इसके लिए करीब 60 लाख डेनिश लोगों पर लाइफ टू वेक का परीक्षण किया था। डेथ कैलकुलेटर ने इन सभी की अहम जानकारियां डाली गई थी इसके जरिए, जिसके बाद इसने ये बताया कि अगले 4 साल में किसकी किसकी मौत होगी, लेकिन इन लोगों की डेथ की तारीख को सार्वजनिक नहीं किया गया था। पेपर के लीड आर्थर और कॉपेनहेगन यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी साइंस के प्रोफेसर सुने लेमैन के मुताबिक लाइफ टू वेक आपकी जिंदगी की घटनाओं को उसी तरह बताता है, यानी उसी तरह भविष्यवाणी करता है जिस तरह ChatGPT शब्दों की भविष्यवाणी करता है। इससे ज्यादा ये कुछ है नहीं, ऐसा उनका कहना है। वहीं साइंस फिक्शन के दिग्गज प्रोफेसर एफ क्लार्क कहते हैं, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित होती है तो ये किसी जादू से कम नहीं होगा, इससे दुनिया बदल जाएगी। वैसे आपको बता दें कि AI बेस्ड डेथ कैलकुलेटर जीवन बीमा और उससे जुड़ी चीजों को आधार मानकर बनाया गया था, लेकिन अब डर इस बात का सता रहा है कि डेथ कैलकुलेटर का इस्तेमाल गलत लोग भी कर सकते हैं। इसलिए जरूरत है जागरूक होने की और सावधान रहने की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।